ये कस्टमर को बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर चुका है। जाएगा 55 लाख रुपए का 400 गज, जिसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई M9 मोटरवे सामने, ये बिल्कुल ये चल रहा है। इसी के साथ साथ ये बिल्कुल मेरे सामने कैमरामैन दिखा सके, साइमा का प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा नाम आपकी सोसाइटी के साथ जुड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कारपेटिंग का काम चल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर पानी के जो है वो काम चल रहा है, इसके अलावा सेवरेज यहाँ पर मौजूद है। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अरसलान अली आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सोसाइटी के साथ। और आज जिस सोसाइटी में हम मौजूद हैं यह है पीर गुल हसन फेज 2 और ब्लॉक सी है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट काम जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये ट्रक जो है वो मिट्टी लेके जा रहा है और बहुत सारा काम जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट का वो ऑलरेडी हुआ हुआ है, जैसे सेवरेज का काम। इसके अलावा आपको वीडियो के अंदर जब हम स्टार्ट में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर पाइप, पानी के पाइप्स वगैरह का भी जो है वो भी काम चल रहा है, कारपेटिंग का भी काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिल्डर है जिसका नाम है साइमा, उनका भी प्रोजेक्ट है, उनकी भी आपको वीडियो हम दिखाएंगे कि वो भी गुड पीर गुल हसन फेज 2 ब्लॉक सी के अंदर जो है वो उसका भी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ की जो है वो कटिंग की, तो यहाँ पर जो है वो रिहायशी 400 गज और कमर्शियल जो है वो 100 गज के यहाँ पर प्लॉट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मोटरवे M9 के ऊपर मौजूद है, ऑपोजिट जो है वो न्यू सब्ज़ी मंडी है। और न्यू सब्ज़ी मंडी के फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो कराची से 50% जो है वो आधी कीमत के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपको सब्ज़ी और वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल हो गए और फ्रूट हो गए वो मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह से मैं आपको अभी चल के दिखाऊँगा भी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी और बहुत ज़्यादा बड़े रकबे पर नहीं है, बहुत छोटी सी सोसाइटी है, तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर जो है वो अगर हम कटिंग की बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल में आपको 100 गज़ मिलता है और रिहायशी जो है वो 400 गज़ है। और अगर आप कमर्शियल में अगर बाइंग करना चाहते हैं तो प्राइस जो है वो 50 लाख 55 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर 400 गज़ रिहायशी की बात करते हैं तो वो भी आपको तकरीबन 50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के दरमियान मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी की खसूसियात की बात करें तो ये M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद है, सामने नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ साथ शुरू के अंदर जो है वो साइमा बिल्डर का एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जो कि साइमा अपने नाम से वाकिफ़ है, जो लोग जानते हैं साइमा को, ये कस्टमर को बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर चुका है। अच्छा, अगर सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सके, सामने बिल्कुल काम चल रहा है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर कारपेटिंग का काम चल रहा है, इसके अलावा पानी की जो है वो लाइंस वगैरह डाली जा रही हैं, इसके अलावा जो है वो सेवरेज का मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सेवरेज का जो निज़ाम है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया सोसाइटी का एक बेहतर व्यू। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं सोसाइटी के आपके थोड़ा सा जो है वो लोकेशन समझा देते हैं कि आप अगर आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो स्क्रीन पे दिया गया नंबर मोहम्मद यूसुफ भाई का है, अगर बाइंग करना चाहते हैं या इस सोसाइटी के बारे में जो है वो आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, लीगल कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो मोहम्मद यूसुफ भाई से आप रابطہ कर सकते हैं, उनका नंबर है। अच्छा, इसके अलावा किसी और सोसाइटी का आप अगर जो है वो विज़िट करना चाहते हैं, किसी सेक्टर का विज़िट करना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी रابطہ कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर सोसाइटी के इस सोसाइटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो प्लीज़ जो है ना वो कमेंट्स में मत लिखा करें, जो नंबर दिया गया है उस पर रابطہ कर लें तो आपको जल्दी फीडबैक जो है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग नए हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वही आखिरी की बात, अगर वीडियो जो है अच्छी लगती है तो लाइक करें, इसके अलावा कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। अच्छा, अब वीडियो होती है इख्तिताम, अल्लाह हाफिज़।